रुद्रा IAS एकेडमी, MP नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। आखिरकार खजुराहो की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई। पर्यटन नगरी खजुराहो से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली एयरलाइंस टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस को खजुराहो से विस्तार होगा। इसके तहत खजुराहो भ्रमण पे आवे वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लाने बड़ी सुविधा प्राप्त हो गई और अब खजुराहो जुड़गांव सीधो मुंबई से। दरअसल खजुराहो के लाने मुंबई से जोड़ने वाली फ्लाइट आखिरकार खजुराहो पहुंच गई और इको भव्य स्वागत करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अपने अंदाज में। खजुराहो के लिए ये एक अच्छा क्षण है, ना सिर्फ जो धरना किए जिन लोगों ने उनके लिए, पूरे खजुराहो के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक प्राइवेट एयरलाइन खजुराहो में आया है जो कि आज की डेट में हिंदुस्तान का नंबर एक एयरलाइन है और हम सभी लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार ऐसे ही नए नए जहाज यहाँ भेजे, कनेक्टिविटी की सुविधाएँ बेहतर करे। विस्तारा एयरलाइंस की जब फ्लाइट जब खजुराहो पहुंची तो यात्रियों को भव्य स्वागत करेगा और इस स्वागत में विशेष तौर पर खजुराहो क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। जितने भी यात्री इस फ्लाइट से उतरे सबको माला पहनाई गई और पर्यटन नगरी खजुराहो में उनको स्वागत करेगा और इतने आवे वाले जितने भी पर्यटक थे वे सब भी इस बात से खासे खुश नजर आए कि आखिरकार खजुराहो में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो कम से कम बड़ी उड़ानों से जुड़ा दिखाई दे रहा हो। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे इस सेक्टर के लिए, पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक ही फ्लाइट होती थी और वो सप्ताह में 3 दिन जाती थी। इस वजह से बहुत लोग यहाँ आना चाहते थे खजुराहो, लेकिन फ्लाइट की कमी की वजह से नहीं। खजुराहो सांसद BD शर्मा की माने तो फिलहाल एयरपोर्ट की एक्टिविटी को बढ़ावा दबाने की कोशिश है और उनकी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट खजुराहो में आए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। लेकिन इसके अलावा रेलवे की भी बेहतर सुविधाएं हों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिलें, सड़क मार्ग बेहतर हो, इसके लाने भी वे निजी तौर पर प्रयास कर रहे और उनकी पूरी कोशिश यही है कि कोनो भी तरीके से खजुराहो को पर्यटन गौरव वापस ले आ जाए और खजुराहो में पर्यटकों के लाने बेहतर सुविधाएं कराई जाएं जिसे लोग इतने आवें। खजुराहो बुलंदियों पर पहुंचेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं विस्तारा हमारा जो एयरलाइंस है टाटा ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने प्रयास यहां पर शुरू किए और आगामी समय में अन्य एयरलाइंस के लिए भी हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लाइट कनेक्टिविटी के कारण से टूरिज्म प्रभावित हुआ वो पुनः एक बार फिर उन ऊंचाइयों को छुए, ये प्रयास हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। और भी कई बातें हैं जिनको लेकर के खजुराहो के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उनको करने का भरपूर प्रयास और मेहनत हम लोग करेंगे। दरअसल खजुराहो बीते कछु सालों में पर्यटन नगरी को तमगा धीरे धीरे खो जा रहा। दरअसल इतने जो पहुँच मार्ग हैं वे असुविधा से भरे हैं, बेहतर फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे भी गिनी चुनी है और कुल मिला के स्थिति यह है कि एक दुनिया को सबसे खूबसूरत पर्यटन क्षेत्रों में से एक खजुराहो अपनी पहचान खो जा रहा। तो इस वजह से इतने स्थानीय स्तर पर रोजगार की समस्या भी पैदा हो गई थी। हालांकि प्रयास बेहतर दिखाई दे रहे, अगर ये फलीभूत हो जावे तो खजुराहो के लाने बेहद फायदेमंद होंगे। UPSC, PSC एवं वनडे परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के शानदार मार्गदर्शन में सफलता का दूसरा नाम रुद्रा IAS एकेडमी, MP नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9098200428। शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित रुद्राक्ष संपूर्ण हवन सामग्री एक बार अवश्य प्रयोग करें। हमारे अन्य उत्पादन अगरबत्ती, पूजन सामग्री, टेस्टी सॉल्ट, पापड़ सभी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना है। संपर्क करें 09575663743, 7000362807। अपने जीवन के सुनहरे पलों को यादगार बनाइए श्रीजी स्टूडियो के साथ। वेडिंग फोटोग्राफी,
कैंडिड फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोशूट, ह्यूज एलईडी स्क्रीन्स, ड्रोन, लार्ज ड्रोन, श्रीजी स्टूडियो एंड एलईडी, संजोए सुनहरी यादें। देश के पहले बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पाएं बुंदेली में समाचार और वीडियो मजेदार।